भारतीय जनता पार्टी ने तो ये जो क्लीन चिट नहीं दिया है, कपूर कमेटी ने साक्ष्यों के एविडेंस पे, कोर्ट ने साक्ष्यों के एविडेंस पे क्लीन चिट दिया। देखिए, राजीव गांधी जी के ऊपर 3000 सिखों का कत्लेआम का एलिगेशन लगता है कि राजीव गांधी ने 3000 सिखों का कत्लेआम कराया। उनको जब भारत रत्न मिलता है तो आशुतोष जी बड़े खुश है, वो सेलिब्रेट करते हैं, कांग्रेस पार्टी सेलिब्रेट करती है, और यहाँ झूठे बुनियाद के आधार पर आप यहाँ अनर्गल बातें कर रहे हैं। ठीक है, अतुल अंजान जी बोले उसके बाद। अतुल अंजान जी, 3000 सिखों के लिए रिस्पॉन्सिबल थे कि नहीं? अतुल अंजान जी, अतुल अंजान जी, देखिए मैं अंजना जी दो बातें कहना चाहता हूँ। यहां बड़ी चर्चा हो रही दूसरी बातों की, एक बात सुनिए। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हो गई, 5 फरवरी 1948 को सावरकर की गिरफ्तारी हो गई। एक प्रश्न है, ये जवाब दीजिए, इतिहास में है। बिल्कुल जवाब दें। जितेंद्र सिंह जी पत्र बहुत निकाल रहे हैं, ये पत्र भी देखो, दो दुनिया के सामने रखो। 5 फरवरी के बाद, गिरफ्तारी के बाद 17 दिन बाद सावरकर ने बंबई के पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा, कोर्ट में कह रहा हूं, उस कोर्ट में कहा है, यदि मुझे सरकार रिहा कर देती है तो मैं जब तक सरकार चाहेगी सांप्रदायिक और राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहूंगा। ये क्यों लिखा सावरकर ने? जवाब दीजिए संबित जी। दूसरी बात, जवाब दीजिए दूसरी बात। हाँ, मैं ये बोल रहा हूं, गांधी जी को दूसरी बात भी कहने पे जवाब दीजिए। नेहरू जी का नाम लेकर चाहे जितने अपशब्द कहो, ये वो सोच है अंजना जी, जो गुजरात, जो महात्मा गांधी की धरती है, वहां पर क्या क्या लिखा अभी परीक्षा में, कि ये परीक्षा का प्रश्न बना कि गांधी ने आत्महत्या क्यों की, कक्षा 9 में ये प्रश्न बनाया गया। ये माइंड सेट है पूरे के पूरे आरएसएस बीजेपी का। और जो इंदिरा गांधी की चिट्ठी है, इंदिरा गांधी को इसी आरएसएस के देवरस ने इमरजेंसी में माफी लिखी थी, माफी नामा दिया था, जिसके चलते 4000 3 महीने बाद इमरजेंसी के छोड़ दिए गए थे। तो ये तो इनकी पुरानी ताक बात है, चाहे सावरकर हो और चाहे देवरस हो, माफी लिखने के ये उस्ताद हैं। ठीक है, ठीक है संबित जी, छोटा सा जवाब, फिर मैं आप लोगों से ले आ रही हूँ, यहाँ पे यहीं पे आ जाऊंगा। छोटा सा मैं भी दो पॉइंट का जवाब देता हूं। पहली बात तो, जिस समय महात्मा गांधी के हत्या के ट्रायल चल रहे थे, जिस समय एविडेंस के अभाव पे कोर्ट ने स्वयं सावरकर जी को छोड़ा, उस समय मोदी जी की सरकार नहीं थी, और उस समय आप इम्पीच नहीं कर सकते थे चीफ जस्टिस को, क्योंकि मोदी जी की सरकार नहीं थी ना उस समय, आप ही लोगों की सरकार थी, अर्थात कांग्रेस की सरकार थी। क्यों छोड़ दिया? महात्मा गांधी जी के कॉन्स्पिरेटर्स के साथ आप लोग भी कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे क्या? और दूसरी बात, ये जो सर्टिफिकेशन देने का काम CPIM के हमारे अतुल अंजान जी कर रहे हैं, अतुल जी 1962 में जो इंडो चाइना वार हुआ था, जिसके बारे में तो सावरकर जी ने 1954 में ही प्रेडिक्ट कर दिया था, उस वॉर के समय आप लोगों ने तो कहा था कि खून भी नहीं देना है हिंदुस्तानी के सिपाहियों को, खून देना है तो चाइना के सिपाहियों को देना है। आपने तो अच्युतानंदन को डिमोट भी कर दिया, और आप यहां जोर जोर चिल्ला के हिंदुस्तान के विषय में क्या बता रहे हैं? आपको काला चश्मा उतारना पड़ेगा हिंदुस्तान के सही इतिहास को देखने के लिए। आपने सुभाष चंद्र बोस को टोजो का कुत्ता कहा था कि नहीं? बचने नहीं, वो एक मुहावरा है काला चश्मा, वो तो मुहावरा है, काला चश्मा मत जाइए, आप रोज पहने अच्छे लग रहे हैं, उनकी आंखों में कुछ कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उन्होंने पहना है। हमको क्यों कह रहे हो? मैं तो एक मुहावरा बोल रहा हूँ कि चश्मा उतारना होगा, तो मैं बोल रहा हूँ 3-4 चश्मा पहनिए, उसमें कोई बुराई नहीं है भैया। एक मिनट देखना दुनिया को, काला चश्मा पे काहे गुस्सा गए? फैक्ट खत्म हो गया, 20 साल गुस्सा हुए हैं वो ब्लड डोनेशन वाले पे, गुस्सा उतार रहे हैं चश्मा पे। अंजना जी एक मिनट अंजना, पुलिस आयुक्त को वापस, मैं ये चाहता हूँ अंग्रेजों को, वो क्यों माफी मांगी? ठीक है, वापस मैं इसका जवाब दीजिए। जो ग्राफिक्स आपके आज तक गया है वो इनकरेक्ट है, और कुछ इनकरेक्ट नहीं है सर, हमारी रिसर्च टीम ने दिया वही सामने रखा है। मेरी बात सुन लीजिए ना, आप बात सुन लीजिए, तब उसके बाद आप कहिएगा अपनी टीम चेक चेक कर लेगी। और जो समित पात्रा ने कहा, दो चीजें मिक्सअप की जा रही है, जस्टिस आत्मा चरण जो ओरिजिनल थे, जिन्होंने उनको एक गवाह मिला था जिसका नाम था दिगंबर बडगे, उसने कहा था, उसको उन्होंने कहा था ट्रूथफुल विटनेस है, था अप्रूवर। एक मिनट सर, बगले उन्होंने बना दिया था पुलिस ने। 1966 में कपूर कमीशन बना था, कपूर कमीशन ने 1969 में अपनी रिपोर्ट दी थी, कपूर कमीशन ने उनको दोषी पाया था, दोषी इसलिए पाया था क्योंकि जो बडगे का जो, तो फिर सजा क्यों नहीं दी? एक मिनट वो कमीशन था, वो अदालत नहीं थी। कोर्ट में जाके कोर्ट में हमने यही लिखा है, वो ग्राफिक्स फिर से दिखाइए, फैक्ट के साथ ही कर रहे हैं, हमने लिखा है कि कोर्ट में फैक्ट गलत है,
कोर्ट ने उनको सबूत की कमी में तो कोर्ट ने उनको सजा दी थी। दो चीजें आती हैं, कोर्ट ने दोषी मान के सजा दी थी। हम करेक्ट कर लीजिए, अगर बात चले दो चीजें आती हैं, दो चीजें आती हैं। कोर्ट ने उनको दोषी माना था, कोर्ट ने दोषी नहीं पढ़िए ना ठीक से, आप पढ़ गलत रहे हैं। बात सुनिए, अंजना अंजना इसमें दो चीजें आती हैं, सुनिए अंजना दो चीजें इसमें आती हैं। एक सेकंड उनको लास्ट फैक्ट दिखा देते हैं, लास्ट फैक्ट फुल स्क्रीन दिखाइए। हम ये कह रहे हैं कि कोर्ट में सबूतों के अभाव में उनको बरी किया गया था। कमीशन, हाँ ये ठीक है, ये दो बयान दर्ज किए थे, बिल्कुल सही, उनके नाम हमने दिए हैं, हाँ ठीक है, जिनका आप नाम दे रहे हैं। उसके बाद से बाद में अदालत ने सबूतों की कमी बाद में ही लिखा है। रिपोर्ट के बाद उनको ट्रायल के लिए गलत कहां है, ये क्या गलत है? अंजना दो चीजें, ये क्या गलत है? सुनिए क्या गलत है, सुनिए बाद में अदालत ने अदालत ने सबूतों के अभाव में सावरकर को बेगुनाह माना। भ्रमित मत करिए, अदालत भ्रमित करने लगे, अभी तो आप झूठ कह रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो ये जो क्लीन चिट नहीं दिया है, कपूर कमेटी ने साक्ष्यों के एविडेंस पे, कोर्ट ने साक्ष्यों के एविडेंस पे क्लीन चिट दिया। देखिए राजीव गांधी जी के ऊपर 3000 सिखों का कत्लेआम का एलिगेशन लगता है कि राजीव गांधी ने 3000 सिखों का कत्लेआम कराया। उनको जब भारत रत्न मिलता है तो आशुतोष जी बड़े खुश है, वो सेलिब्रेट करते हैं, कांग्रेस पार्टी सेलिब्रेट करती है, और यहाँ झूठे बुनियाद के आधार पर आप यहाँ अनर्गल बातें कर रहे हैं। ठीक है, अतुल अंजान जी बोले उसके बाद, अतुल अंजान जी 3000 सिखों के लिए रिस्पॉन्सिबल थे कि नहीं? अतुल अंजान जी, अतुल अंजान जी देखिए, मैं अंजना जी दो बातें कहना चाहता हूं। यहां बड़ी चर्चा हो रही दूसरी बातों की, एक बात सुनिए, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हो गई, 5 फरवरी 1948 को सावरकर की गिरफ्तारी हो गई। एक प्रश्न है, ये जवाब दीजिए, इतिहास में है। जितेंद्र सिंह जी पत्र बहुत निकाल रहे हैं, ये पत्र भी देखो, दो दुनिया के सामने रखो। 5 फरवरी के बाद, गिरफ्तारी के बाद 17 दिन बाद सावरकर ने बंबई के पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा, कोर्ट में कह रहा हूं, उस कोर्ट में कहा है, यदि मुझे सरकार रिहा कर देती है तो मैं जब तक सरकार चाहेगी सांप्रदायिक और राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहूंगा। ये क्यों लिखा सावरकर ने? जवाब दीजिए संबित जी। दूसरी बात, जवाब दीजिए दूसरी बात। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, सभी जी को वो दूसरी बात भी कहने पर जवाब दीजिए। नेहरू जी का नाम लेकर चाहे जितने आप शब्द कहो, ये वो सोच है, ये वो सोच है अंजना जी, जो गुजरात, जो महात्मा गांधी की धरती है, वहां पर क्या क्या लिखा अभी परीक्षा में, ये परीक्षा का प्रश्न बना कि गांधी ने आत्महत्या क्यों की, कक्षा 9 में प्रश्न बनाया गया। ये माइंडसेट है पूरे के पूरे आरएसएस बीजेपी का। और जो इंदिरा गांधी की चिट्ठी है, इंदिरा गांधी को इसी आरएसएस के देवरस ने इमरजेंसी में माफी लिखी थी, माफी नामा दिया था, जिसके चलते 4000 आरएसएस के लोग 3 महीने बाद इमरजेंसी के छोड़ दिए गए थे। तो ये तो उनकी पुरानी ताक बात है, चाहे सावरकर हो और चाहे देवरस हो, माफी लिखने के ये उस्ताद हैं। ठीक है, ठीक है संबित जी, छोटा सा जवाब फिर मैं आप लोगों से ले आ रही हूं, यहां पे यहीं पे आ जाऊंगा। छोटा सा मैं भी दो पॉइंट का जवाब देता हूं। पहली बात तो, जिस समय महात्मा गांधी के हत्या के ट्रायल चल रहे थे, जिस समय एविडेंस के अभाव पे कोर्ट ने स्वयं सावरकर जी को छोड़ा, उस समय मोदी जी की सरकार नहीं थी,
और उस समय आप इम्पीच नहीं कर सकते थे चीफ जस्टिस को, क्योंकि मोदी जी की सरकार नहीं थी ना उस समय, आप ही लोगों की सरकार थी अर्थात कांग्रेस की सरकार थी। क्यों छोड़ दिया? महात्मा गांधी जी के कॉन्स्पिरेटर्स के साथ आप लोग भी कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे क्या? और दूसरी बात, ये जो सर्टिफिकेशन देने का काम CPIM के हमारे अतुल अंजान जी कर रहे हैं, अतुल जी 1962 में जो इंडो चाइना वार हुआ था, जिसके बारे में तो सावरकर जी ने 1954 में ही प्रेडिक्ट कर दिया था, उस वॉर के समय आप लोगों ने तो कहा था कि खून भी नहीं देना है हिंदुस्तानी के सिपाहियों को, खून देना है तो चाइना के सिपाहियों को देना है। आपने तो अच्युतानंदन को डिमोट भी कर दिया, और आप यहां जोर जोर चिल्ला के हिंदुस्तान के विषय में क्या बता रहे हैं? आपको काला चश्मा उतारना पड़ेगा हिंदुस्तान के सही इतिहास को देखने के लिए। आपने सुभाष चंद्र बोस को टोजो का कुत्ता कहा था कि नहीं? नहीं, वो एक मुहावरा है काला चश्मा, और तो मुहावरा है काला चश्मा मत जाइए, आप रोज पहने अच्छे लग रहे हैं, उनकी आंखों में कुछ कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उन्होंने पहना है। हमको क्यों कह रहे हो? मैं तो एक मुहावरा बोल रहा हूँ, चश्मा उतारना होगा तो मैं बोल रहा हूँ, तीन चार चश्मा पहनिए, उसमें कोई बुराई नहीं है भैया, चश्मा एक मुहावरा है, बोल रहा मैं। एक मिनट, एक मिनट, मैं बोलना चाहता हूँ, उतार के देखना दुनिया को, काला चश्मा पे काहे गुस्सा गए? फैक्ट खत्म हो गया क्या? ये गुस्सा हुए हैं वो ब्लड डोनेशन वाले पे, गुस्सा उतार रहे हैं चश्मा पे। अंजना जी, एक मिनट, एक मिनट, अंजना अंजना, मैं आयुक्त को वापस, मैं ये चाहता हूँ अंग्रेजों को, वो क्यों माफी मांगी? ठीक है, वापस देखिए, मैं इसका जवाब अनइंटरप्टेड, क्योंकि मैं जो ग्राफिक्स आपके आज तक में गया है वो इनकरेक्ट है, और कुछ इनकरेक्ट नहीं है सर, हमारी रिसर्च टीम ने दिया है वही सामने रखा है। मेरी बात सुन लीजिए ना, आप बात सुन लीजिए, तब उसके बाद आप कहिएगा अपनी टीम वो चेक चेक कर लेगी। और जो समित पात्रा ने कहा, दो चीजें मिक्सअप की जा रही है, जस्टिस आत्मा चरण जो ओरिजिनल थे, जिन्होंने उनको एक गवाह मिला था जिसका नाम था दिगंबर बडगे, उसने कहा था, उसको उन्होंने कहा था ट्रूथफुल विटनेस है, था अप्रूवर। एक मिनट सर, बगलेर बगले को इन्होंने बना दिया था पुलिस ने, 1966 में कपूर कमीशन बना था, कपूर कमीशन ने 1969 में अपनी रिपोर्ट दी थी, कपूर कमीशन ने उनको दोषी पाया था, दोषी इसलिए पाया था क्योंकि जो बडगे का जो फिर सजा क्यों नहीं दी? एक मिनट, वो कमीशन था, वो अदालत नहीं, कोर्ट में जाके, कोर्ट में हमने यही लिखा है, वो ग्राफिक्स से दिखाइए, के साथ नहीं, फैक्ट के साथ ही कर रहे हैं, हमने लिखा है कि कोर्ट में फैक्ट गलत है, कोर्ट ने उनको सबूत की कमी में, आपके तो कोर्ट ने उनको सजा दी थी, दो चीजें आती है, कोर्ट ने दोषी मान के सजा दी थी, हम करेक्ट कर लिए, दो चीजें आती है, दो चीजें आती है, कोर्ट ने उनको दोषी माना था, कोर्ट ने दोषी नहीं माना, मेरी बात सुनिए, अंजना इसमें दो चीजें आती है, सुनिए अंजना, दो चीजें इसमें आती है, एक सेकंड उनको लास्ट फैक्ट दिखा देते हैं, लास्ट फैक्ट फुल स्क्रीन दिखाइए, हम ये कह रहे हैं कि कोर्ट में सबूतों के अभाव में उनको बरी किया गया था, कमीशन, हाँ ये ठीक है, ये दो बयान दर्ज किए थे, बिल्कुल सही, उनके नाम हमने दिए हैं, हाँ ठीक है, जिनका आप नाम दे रहे हैं, उसके बाद से बाद में अदालत ने सबूतों की कमी, हाँ तो बाद में ही लिखा है, रिपोर्ट के बाद उनको ट्रायल के लिए गलत कहा है, ये क्या गलत है, अंजना दो चीजें, ये क्या गलत है, सुनिए क्या गलत है, सुनिए जो कपूर कमीशन पे लिखा है कि वहां पे दो गवाह, उसको आप अदालत के साथ मिक्स मत करिए, अरे हमने लिखा बाद में अदालत में, आपको आपको माफी मांगनी चाहिए, आप गलत बात कह रहे हैं, आपने हमारे फैक्ट्स पर सवाल खड़ा किया है, हमने बिल्कुल सही लिखा है, लास्ट सेंटेंस में लिखा है बाद में अदालत ने, आप कपूर कमीशन के बाद, आप गलत बोल रहे हैं, मुंह पर गलत बोल रहे हैं, आप कपूर कमीशन तो जी बाद में, नो गलत, आप गलत कह रहे हैं, अब आप कह रहे हैं मिक्स मत कीजिए, आपने आप हमारा फैक्ट बिल्कुल सही है, फुल स्क्रीन पर दिखाइए दर्शकों को, बाद में अदालत ने आपके साथ प्रॉब्लम भी है ना आशुतोषी, क्या वही देखना और बोलना चाहते हैं जो आप चाहते हैं, गलती अगर दिख जाए तो माफी मांग लेनी चाहिए, बाद में अदालत ने सबूतों के अभाव में सावरकर को बेगुनाह माना, भ्रमित मत करिए अदालत, अब हम भ्रमित करने लगे, अभी तो आप झूठ कह रहे हैं, अनफॉर्चुनेट है ये, आपने गलत कहा, रॉन्ग फैक्ट नहीं है, अंजना सही लिखा है, अदालत ने सबूतों के आधार पर आगे ले जाना चाहिए, चलिए हमें इस डिबेट को आगे ले जाना चाहिए, जल्दी चलिए।